हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज की इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड पीजीटी झारखंड हाई स्कूल टीचर के रिगार्डिंग। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले दो महीने के लगभग जो है स्टेट मेरिट लिस्ट जो है जारी किया गया था आयोग एएससी के द्वारा, उसको लेकर विवाद है। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि सर की जो मेरी स्टेट मेरिट लिस्ट में अंक जारी हुआ है उसके आधार पर मेरे अंक ज्यादा है और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि उसी सब्जेक्ट में जो दूसरे छात्र हैं कम अंक पर भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। और इसी को लेकर 24 अक्टूबर को सुनवाई है और कोर्ट में भी कहा गया है कि जो छात्र को ऐसा लगता है वो प्रमाण के साथ हमारे पास कुछ प्रस्तुत करे, उसके लिए कार्य किया जाएगा। और साथ ही आयोग को कट ऑफ मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ मार्क्स और अन्य बहुत सारे डिटेल जो है उपलब्ध कराने को कहा गया है हाईकोर्ट के द्वारा। आयोग देखिए कब तक उसको उपलब्ध कराती है। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे थे सर कि आखिर हमें कैसे पता चलेगा, स्टेट मेरिट लिस्ट तो हमें मिल चुका है, जो हमारा अंक वगैरह सारे चीज पता चल गया है, लेकिन आखिर कैसे पता चलेगा कि जो कट ऑफ जारी किया गया है या फिर दूसरे छात्र का सिलेक्शन हुआ है वो मेरे अंक से कम होने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। पहली बात तो ये कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो छात्र का चयन हुआ है और आपको लगता है कि नहीं उनका कम अंक पर चयन हुआ है और आपका अंक ज्यादा है तो स्टूडेंट को ही खोजना पड़ेगा, वैसे स्टूडेंट मिलेंगे तभी पता चल पाएगा। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं कि आयोग ने जो कट ऑफ जारी किया है, अब देखिएगा तो जब आयोग ने कहा कि हमने सारी अपनी तरफ से नियुक्तियां पूरी कर ली है और कट ऑफ उसके बाद जारी किया गया, नोटिस जारी किया गया, स्टेट में लिस्ट जारी होने से पहले ये कट ऑफ जारी किया गया था, वही आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे सारे उपलब्ध सारे, क्योंकि अब देखिएगा एग्जाम जो है 22 सब्जेक्ट में हुआ था, 22 सब्जेक्ट का जारी नहीं हुआ था, लेकिन हाँ बहुत सारे सब्जेक्ट का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले करीब जुलाई अगस्त के लगभग ये जारी हुआ था। अब बोलिए सर कि अभी हम जेएससी की वेबसाइट पर जाते हैं वहां पर नहीं मिल रहा है, तो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आयोग ने उसे हटा दिया है। वैसा वो क्यों किया है वो तो आयोग ही जानेगा, लेकिन आयोग ने वहां से हटा दिया है। जब हाईकोर्ट में ये मामला चला गया, बहुत सारी चीजें अब होने लगी, 24 अक्टूबर को फिर से सुनवाई है, तो देखिएगा तो आयोग ने वहां से सारे कट ऑफ मार्क्स जो हटा दिए। हमने ये जो कट ऑफ मार्क्स चूंकि उस समय जारी हुआ था तो उसी समय हमने डिस्कस भी किया था, बहुत सारे पीडीएफ हमने सेव करके रखा था, तो वही हमने बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो जो जो सब्जेक्ट के हमें मिले हैं करीब 8-10 सब्जेक्ट के करीब हमको मिल चुका है, हम वो सारे आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनका कट ऑफ क्या गया था, उसके आधार पर आपका जो मार्क्स है उसके आधार पर आप देख सकते हैं और वो प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं जो कट ऑफ गया है, कट ऑफ जो जारी किया गया है और आपका जो अंक है उसमें डिफरेंस है, आपका अंक ज्यादा है कट ऑफ कम है फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रूफ के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। सारे जो जेएससी का जो ऑफिशियल पीडीएफ है हम सारा का सारा टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो भी सब्जेक्ट का हमें प्राप्त हुआ है हम आपके साथ चर्चा करते हैं। क्लासेस यहाँ पर डेली और अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होता है, तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जो छात्र नवरात्रि स्पेशल अभी ऑफर चल रहे क्लासेस अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, अभी ज्वाइन करते हैं तो 2000 तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसमें कि अभी न्यू पीजीटी, जैसा कि आपको पता है कि न्यू पीजीटी जल्द ही आने वाला है, उसके लिए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, जिसमें करीब 14000 से ज्यादा वैकेंसी इस बार रहने वाली है। इसके अलावा जेट के लिए भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें कि आपको सारे फैसिलिटी आपको ऑफलाइन बैठ के जैसा मिलेगा। इसके अलावा न्यू जेटेड के लिए अभी ज्वाइन करते हैं तो नवरात्रि स्पेशल मात्र 1-5 के लिए 949 में और 6-8 के लिए 1049 में आपको उपलब्ध होगा, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि आपका ये स्टेट मेरिट लिस्ट वगैरह सभी जारी होने से पहले जो है स्कोर कार्ड जारी होने से पहले कट ऑफ जारी हुआ था, जो अभी आयोग की वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा, वो फिर भी हमने वो सारे टेलीग्राम पर ही अपलोड करके रखा था, वहां पर हमने सर्च किया तो वो सारे मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के मिल चुके हैं, एक एक करके हम वो डिस्कस करते हैं कौन कौन सब्जेक्ट के हमें मिले। देखिए यहाँ पर ये मामला जो है कोर्ट में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले उसके
विरुद्ध आयोग ने कुछ काम किया था जिस वजह से वो मामला कोर्ट में गया है। कोर्ट इसकी सुनवाई जो है फिर जो है 24 अक्टूबर को करने वाली है। उससे पहले अभ्यर्थियों को प्रमाण देना है कि जैसे कि उनका बोलना था बहुत सारे अभ्यर्थियों का उनका अंक ज्यादा है फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कम अंक वाले का सिलेक्शन हो चुका है। साथ ही कट ऑफ से ज्यादा उनका अंक है लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये कट ऑफ कहां पर मिलेगा, तो कुछ हमने कट ऑफ यहां पर चर्चा कर रहे हैं। पहला चीज तो ये ध्यान रखिए कि जो छात्र यह कह रहे हैं कि उनका अंक ज्यादा है, उनका अंक जो है ज्यादा है और कम अंक वाले का चयन हो गया है, ऐसा चर्चा आयोग के साथ किया गया मौखिक रूप से। उन्होंने ये कहा कि ऐसी परिस्थिति तब हुई है जब 11 और 13 जिला के आधार पर सिलेक्शन हो रहा था। अब देखिएगा तो 24 जिला के आधार पर चयन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कि 11 और 13 जिला में डिवाइड करना ये असंवैधानिक है, ये सही नहीं है, इसलिए आप 24 जिला के आधार पर नियुक्ति कीजिए। जो छात्र ये क्लेम कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा आयोग के जो मेंबर वगैरह हैं वहां पर ये सब बोल रहे हैं और बहुत सारे छात्रों ने भी ये चीजें बताई हैं कि जिनका चयन हुआ है जैसे कि मान लीजिए 300 अंक में किसी का जब 11 और 13 जिला पर था 220 अंक में उनका चयन हो गया, अब 24 जिला के आधार पर चयन हो रहा है तो उनका 240 अंक है सेम सब्जेक्ट में लेकिन उनका चयन नहीं हो रहा है, तो ऐसा केसेस देखने को मिल रहा है, ये कहना है आयोग या जो मेंबर है इसके लिए। लेकिन ध्यान रखिएगा ऑफिशियल अपडेट कोई भी नहीं जारी किया गया, ये मौखिक रूप से जो मेंबर है या फिर कुछ स्टूडेंट है उनका भी ये कहना था जो इन्फॉर्मेशन आप हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग कट ऑफ के ऊपर कि आयोग ने जो कट ऑफ कुछ छात्रों का ये कहना है कट ऑफ जो जारी किया गया है आयोग के द्वारा जो कि जुलाई अगस्त के लगभग देखिएगा अर्थशास्त्र के लिए इकोनॉमिक्स के लिए कट ऑफ है फरवरी में जारी हुआ है 29 फरवरी 2024 को आयोग का ये ऑफिशियल है। अभी देखिएगा तो वेबसाइट पर ये जल्दी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे सर्च करने पर आपको मिल जाता है लेकिन आप सर्च कीजिएगा तो मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का कटअप देखते हैं तो कुछ का कहना है, ध्यान रखिएगा ये सब कटअप जो है लेटेस्ट है इसी साल का, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं पुराना वाला इस आधार पर, अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा आपका मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप कोर्ट में आप जा सकते हैं। 24 अक्टूबर को सुनवाई होने कोर्ट खुद बोला भी है कि वो प्रमाण हमारे पास प्रस्तुत कीजिए तो ये पीडीएफ और आपके जो स्कोर कार्ड है जो आपका स्टेट मेरिट लिस्ट है आपको वहां पर प्रस्तुत करना है, सुनवाई होगी। अब देखिएगा इकोनॉमिक्स के लिए क्या कट ऑफ रहा है, इकोनॉमिक्स का जो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया है वो 154 है अनरिजर्व का, ध्यान रखिएगा ये कितना अंक पर है 300 अंक पर 154 मात्र अनरिजर्व का, जिस अभ्यर्थी का चयन हुआ है मतलब कि सबसे कम, ध्यान रखिए ये स्कोर क्या होता है कटअप क्या होता है कि जो छात्र का 154 या उससे ज्यादा अंक आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया है इकोनॉमिक्स में, ये कटअप है। और उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए 136 है, अनुसूचित जाति के लिए 136, BC1 के लिए 150 और BC2 के लिए 150, दिव्यांग के लिए यहां पर कुछ बताया गया है, क्लियर है, तो ये इकोनॉमिक्स का कटअप हो गया। अब आते हैं दूसरा कॉमर्स के कटअप में, कॉमर्स का कटअप जो है ये दिसंबर में ही जारी हुआ था, दिसंबर 2023 में ही कॉमर्स का जो कटअप यहां पर बताया गया है अनरिजर्व के लिए 218, 300 अंक में 218, अनुसूचित जाति के लिए 138 मतलब कि इतना या इससे ज्यादा मार्क्स जिनका है उनका चयन हुआ है, फिर अनुसूचित जाति के लिए 142, BC1 के लिए 204 और BC2 के लिए 214, अभी वही क्षेत्रीय आरक्षण में दिव्यांग के लिए यहां पर कुछ कुछ अंक दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं। अब आते हैं अगला सब्जेक्ट, वह आपका अंग्रेजी इंग्लिश, इसका डेट यहां पर मेंशन नहीं है कि कब यह जारी हुआ था, चलिए इसमें इंग्लिश का कटअप हम लोग देखते हैं। अनरिजर्व के लिए 186 है मतलब जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं 186 उससे ज्यादा अंक लाएं, 186 या उससे ज्यादा अंक लाएं उनका चयन हुआ है इंग्लिश में। अनुसूचित जनजाति के लिए 136, अनुसूचित जाति के लिए 140, BC1 के लिए 180 और BC2 के लिए 172 और कुछ कटअप दिया हुआ है।
अब अगले सब्जेक्ट में आते हैं, वह है सब्जेक्ट आपका गणित एवं भौतिकी। इसका जो कट ऑफ है नवंबर 2023 में पिछले साल ही जारी हुआ था कट ऑफ। यहाँ पर देखिएगा तो अनरिजर्व के लिए 168 जारी हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा डेट ऑफ बर्थ भी मायने रखता है, इसलिए दिया गया आयोग के द्वारा, मतलब 168 या उससे ज्यादा अंक जिन्होंने लाया उनका चयन हुआ। अब यहाँ पर देखिएगा अनुसूचित जनजाति के लिए 136, अनुसूचित जाति के लिए 136, बीसी वन के लिए 162 और बीसी टू के लिए 160 और कुछ अंक दिए हुए हैं। जो कार्यरत शिक्षक थे झारखंड के जो उनके लिए अनरिजर्व के लिए 168 उनके लिए भी किया है। अब आगे आते हैं, अगला जो है बांग्ला, बांग्ला सब्जेक्ट में तो अनरिजर्व के लिए 262 गया है, अच्छा खासा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 138 और फिर बीसी वन के लिए 212 और बीसी टू के लिए 228। अब आगे आते हैं कुछ और सब्जेक्ट का देखते हैं, हिंदी, हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य के लिए अनरिजर्व के लिए देखिएगा ये 29 फरवरी 2024 को इसका कट ऑफ जारी हुआ था। अनरिजर्व के लिए 232, मतलब इससे 232 या उससे ज्यादा अंक लाए उनका चयन हिंदी सब्जेक्ट में हुआ है। अनुसूचित जनजाति के लिए 200, अनुसूचित जाति के लिए 182, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची वन में जो है बीसी वन के लिए 224, बीसी टू के लिए 220 और कुछ अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे आते हैं, एक और जो है मेरे पास पीडीएफ है वह आपका संस्कृत का, ये भी दिसंबर 2023 में जारी हुआ था। अनरिजर्व के लिए 264 गया है, अच्छा खासा कट ऑफ गया है, 300 की भी 300 अंक वही चयन हो रहा है यहाँ पर। अनुसूचित जनजाति के लिए 150, अनुसूचित जाति के लिए 178, बीसी वन के लिए 150 और बीसी टू के लिए 222 कट ऑफ जो है जारी किया गया है, क्लियर। उसी तरह अन्य कैटेगरी में तो ये सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सब्जेक्ट का हमने यहाँ पर कट ऑफ आपको बता दिया है। टोटल 22 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ था। हमने बहुत सारे सर्च किया आयोग के वेबसाइट पर, वो नहीं मिल पा रहा है, जो जो हमें मिल पाया है वहां पर सब चर्चा की है। हो सकता है जैसा कि हमने आपको बताया कि हटा दिया गया, हो सकता है कि वो हटाया नहीं गया हो, बहुत सारे पीडीएफ चेक करने पर पता चल पाता है, क्योंकि आप देखिएगा तो इतने सारे लिस्ट वहां पर बन गए हैं, करीब 100-150 लिस्ट बन जाते हैं, एक एक करके चेक करना पड़ता है तब जाकर ही मिलता है। तो आप ही अपने सब्जेक्ट का सर्च कीजिएगा, हो सकता है कि आपको मिले तो हमें जरूर बताइएगा, और आप व्हाट्सएप पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी भेज सकते हैं, आपके साथ वो सारी चीज चर्चा किया जाएगा। अभी सब हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस इसलिए किए हैं कि आप दूसरे छात्र को देख के, तो आयोग ये बता रहा है कि नहीं 11 और 13 जिला के आधार पर उनका चयन हुआ था इसलिए कम अंक पर उनका चयन हो गया है, बल्कि आपका चयन नहीं हो रहा है इसलिए आपके अंक ज्यादा दिख रहे हैं उनके कम, क्योंकि 11 और 13 कम 13 जिले के आधार पर उनका चयन हो गया था, अभी 24 जिला के आधार पर चयन हो रहा है इसलिए इनका चयन नहीं हुआ है। अभी कट ऑफ तो आयोग ने जारी किया है, अब इसके आधार पर भी अगर आपका अंक ज्यादा दिख रहा है, जो कट ऑफ यहाँ पर है मान लीजिए किसी का संस्कृत में 264 ज्यादा है लेकिन उनका चयन नहीं हुआ है, गड़बड़ी है यहाँ पर, उस चीज का प्रमाण आपको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है, आयोग में भी आपको देना है। आप अपना स्कोर कार्ड, स्टेट मेरिट लिस्ट का प्रिंट आउट सब रख लीजिए, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए और वो प्रूफ के रूप में वहां पर जमा कीजिए, ये आपका तरीका है, बेहतर रहेगा आपका और बिल्कुल 100% अगर उसमें आयोग जो है या फिर कोर्ट जो है उसके लिए कोई कार्य जरूर करें। ये सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे छात्र इसके लिए पूछ भी रहे थे। बाकी सब्जेक्ट का जैसे जैसे हमें मिलता रहेगा, इतने सारे 7 सब्जेक्ट का हमें मिला था, हमने आपके साथ चर्चा किया है, बाकी अन्य सब्जेक्ट का भी जैसे भी हमें प्राप्त हो जाएगा हम आपके साथ चर्चा करेंगे, और अभी 24 अक्टूबर को सुनवाई है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको उपलब्ध करा दिया जाए। अभी चूंकि टाइम मिल रहा है, क्लासेस अभी थोड़ी जो दुर्गा पूजा नवरात्रि की वजह से कुछ क्लासेस जो है स्टॉप है, इसीलिए जो है आपका ये सारे हम अलग से काम कर ले रहे हैं जिससे आपको उपलब्ध हो रहा है, और भी हम उपलब्ध जरूर कराएंगे आपको जैसे जैसे प्राप्त होता है। तब तक आप बने रहिए हमारे इस चैनल पर, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तक ये बातें पहुंच सके, जिससे कि वो अपना जो अगर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश वो अपना सिलेक्शन प्राप्त कर सके। तो चलिए आज का हम लोग सेशन यही पर एंड करते हैं। लास्ट में अंतिम क्लासेस के लिए बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं सर कि आप तो बहुत समय से बता रहे हैं वैकेंसी आएगा टीजीटी का, बिल्कुल आएगा, हर वैकेंसी आ चुका है तो टीजीटी का क्यों नहीं आएगा, और ऐसा नहीं कि आप आ जाएगा तो तुरंत आप तैयारी कर पाए। अभी जेटेट का हाल देखिए, पीजीटी का हाल यही देखिए, कितने सालों से वैकेंसी नहीं आ रही थी, आ गया तो बोलते हैं कि जल्दी एग्जाम ले लिया जा रहा है, जल्दी कहाँ हो रहा है।
साल सात साल में एग्जाम हो रहा है, अब क्या कर रहे थे सबसे, इसीलिए पढ़ाई कम से कम जो भी वैकेंसी आ रही है उससे 8-10 महीना एक साल पहले प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि 24 में अगर एग्जाम नहीं होता, वैकेंसी तो कभी भी आ सकता है, 24 में अगर एग्जाम नहीं हुआ 25 में तो 100% है कि बिल्कुल एग्जाम होगा ही, चाहे सरकार किसी की भी बने, पीजीटी का वैकेंसी जो 14,000 से ज्यादा वैकेंसी है वो बिल्कुल आएगा ही। इसलिए तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, अभी से आप तैयारी कीजिएगा तो 100% सिलेक्शन आपका तय है। अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं तो उसमें संशय बना रहता है कि तैयारी में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कितनी गड़बड़ी, कब एग्जाम हो जाएगा, कब एडमिट कार्ड आ जाएगा, ये सब कोई क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो आप तैयारी अभी से ही प्रारंभ कर दी। इसके अलावा जेट का आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी करने के लिए, उसके बाद आप तो झारखंड के विभिन्न यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, उसके लिए वैकेंसी आने वाली है। जल्द से जल्द इसको भी आप क्लासेस जो है ज्वाइन कर लीजिए। अभी स्पेशल ऑफर, ₹2,000 आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको, फुल मॉक टेस्ट, हर चीज आपको एग्जाम तक उपलब्ध कराया जाएगा। 100% आपकी तैयारी होगी मिनिमम फीस पर। इसके अलावा जेटेड के लिए तो मात्र भी ज्वाइन करते हैं तो 1-5 के लिए 949 और 6-8 के लिए मात्र 1,049। नंबर दिया हुआ है यहाँ पर 7004579780 पर कॉन्टेक्ट करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो यह व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको सारे डिटेल मिल जाएगा, आप पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद क्रांच लोग आप टेस्ट कर। पीजीटी के लिए मिनिमम फीस पर आप सारे कोर्सेज, पेपर टू के लिए मात्र 4,000 और पेपर वन और टू के लिए मात्र 5,500 में आपकी संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। आपको पता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी इसमें होता है तो उसके लिए आपको सिर्फ एक्स्ट्रा 1,000 आपको जैसे कि आपको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना होता है, हिस्ट्री के साथ फिजिक्स के साथ मैथ और बायो के साथ केमिस्ट्री, वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा।